सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है, जहां एक ओर ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ही रोड शो करती नजर आ रही हैं, पदयात्रा में शामिल हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने सीधे हमला किया है कांग्रेस पर कि दरअसल समस्याओं के समाधान की ना उनकी इच्छा थी ना मंशा थी, ना कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। भारत माता की, भारत काजीरंगा का हमारा जंगल हो चाहे सत्र भूमि हो, एक घिस घूस पेटियों ने अतिक्रमण कर रखा था। ये एंक्रोचमेंट के कारण आसाम की जनता का अधिकार जाता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने सत्र भूमि में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाया और काजीरंगा में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाने का काम किया है। मुझे बताइए भाई, इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी ये कर पाए थे क्या? ये करना चाहते थे क्या? वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो घुसपैठियों में अपना मत नजर आता है, वोट नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल को लेकर समाधान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की पार्टी? केरल में उन्होंने समाधान कर दिया मुस्लिम लीग के साथ, जिस मुस्लिम लीग ने देश को तोड़ने का काम किया, इसके साथ समाधान किया। यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के नेता के साथ समाधान किया। एक कांग्रेस पार्टी मित्रों वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। भूपेन हजारिका को मैं जरूर याद करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि भूपेन हजारिका वो व्यक्ति थे जिन्होंने आसाम के संगीत और संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का काम किया था। कांग्रेस को 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया और आसाम की जनता की संवेदनाओं का सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी वो आएंगे, आपको अलग अलग जाति की बात करेंगे, अलग अलग समुदाय की बात करेंगे, लोगों के बीच में मन मुटाव, भेद, झगड़ा लगाने का प्रयास करेंगे। वो उनकी राजनीति की पद्धति है। राहुल बाबा, आपकी पद्धति आपको मुबारक हो। हम तो नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर चले हैं और उसी नारे पर 5 साल में यहां पर विकास हुआ है। असम में अमित शाह कांग्रेस पर हमलावर, तो उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पदयात्रा में शामिल हो गई हैं, बावजूद इसके कि वो चोटिल हैं तो उन्होंने व्हीलचेयर पर ही इस रास्ते में आगे बढ़ने की ठानी और तकरीबन 4 किलोमीटर की इस पदयात्रा में वो शामिल हो गई हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल के रण में सड़कों पर उतरते दिखाई दे रही हैं, ताल ठोकते हुए। अरुण सिंह हमारे सहयोगी, उन्हीं के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। अरुण, क्या ताजा तस्वीरें और क्या ममता बनर्जी पूरे 4 किलोमीटर की ये पदयात्रा में शामिल हो रही है व्हीलचेयर में ही? प्रशांत, जब मैं पिछली बार आपसे बात कर रहा था तब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ 100 मीटर चल के ही क्या वापस गाड़ी के जरिए हाजरा पहुंचेंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया है 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी उन्होंने उसी व्हीलचेयर पे पूरी कर ली है। और अगर आप नजर डालिए, जरा जयपाल रावत जी दिखाइए तस्वीरें, किस तरह से ममता बनर्जी ने अपने आसपास धार्मिक सद्भाव दिखाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनकी जो व्हील चेयर, उसके आसपास अगर नेताओं पर नजर आप डालेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के नेता वहां पर शामिल हैं।
जो उनके साथ चल रहे हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी वहाँ पर हैं। और एक बार फिर मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊँ, लगभग 500 मीटर के आसपास की दूरी और बची है, जो लोकल लोग बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं झंडों और बैनरों से पटा पूरा ये इलाका। और 4 किलोमीटर लंबा मार्च ममता बनर्जी ने तय किया कि वो व्हीलचेयर पर ही करेंगी। प्रशांत, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सियासत बहुत हुई उनकी चोट को लेकर, लेकिन जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर आगे आ रही हैं, तमाम आरोपों के बावजूद बीजेपी के कि ये चोट नाटक है, चोट लगी ही थी लेकिन उनके लोगों द्वारा लगाई गई, किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। भले ही चुनाव आयोग ये कहता हो कि चोट नहीं लगी थी साजिश के तहत, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर इसलिए खेल रही हैं क्योंकि अब इस मुद्दे के जरिए वो अपने कार्डर को, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट को नहीं, अपने कार्डर को चार्ज करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मार्च के जरिए कर रही है। और ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरती हैं इस धूप उमस में, 4 किलोमीटर लंबे पूरे इस स्ट्रेच में, बावजूद इसके कि उनके पैर में चोट लगी है, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि 48 घंटे और ऑब्जर्वेशन में रहिए, बावजूद इसके कि उनको आराम करने की सलाह दी गई, बावजूद इसके कि 7 दिन बाद वापस हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया डॉक्टरों द्वारा, वो चुन रही हैं सड़क पर उतरना, वो चुन रही हैं अपनी जुझारू छवि को दिखाना, और वो चुन रही हैं अपने कार्डर में जोश भरना। देखिए यहाँ पर आप ये बताइए कि आप हिंदी बोल लेते हैं? जी हाँ, हिंदी बोल लेते। क्या संदेश देने आप, आपकी नेता यहाँ पर पहुँची है? हम लोग का संदेश यही देना है कि आगामी 2 तारीख को पूरा भारत को पश्चिम बंगाल का जवाब मिल जाएगा। हम लोग को और कुछ नहीं बोलना है। जवाब कैसे मिलेगा? जवाब मिल जाएगा 2 तारीख को, सरकार बना के देख लीजिएगा। 200 पार, अब की बार 200 पार। तो ये तो बीजेपी का नारा है, अब की बार बीजेपी। वो तो दिल्ली में कहता 55 सीट, कितना आया? सिर्फ 2। हाँ। वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। हम लोग बोलते हैं, वो करके दिखाएंगे। 2 तारीख को जवाब मिल जाएगा आप लोग को। देखिए तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर जोश से भरे हुए हैं। और देखिए अब कह रहे हैं कि बीजेपी तो दिल्ली में भी दावे कर रही थी, अब ये कह रहे हैं कि 200 से ऊपर तृणमूल कांग्रेस को सीट मिलने वाली है। तो प्रशांत, अगर दर्शकों तक आवाज मेरी पहुंच रही हो और ये तस्वीरें पहुंच रही हो, बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। चुनाव कौन जीतेगा ये तो पर्दे में अभी है, लेकिन किस तरह से लड़ा जा रहा है ये जरूर देखना चाहिए। जिस हिसाब से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जमीन से लेकर के और वाक युद्ध चल रहा है, देखिए जमीन पर ये तस्वीर है। उधर अमित शाह शाम को इसी तरह से रोड शो करने वाले हैं आकर के पश्चिम बंगाल में। अभी वो असम में है, शाम को पश्चिम बंगाल में है, कल फिर वो पश्चिम बंगाल में है। तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखाई दे रही है, और उसकी वानगी आप इस वक्त सड़क पर प्रशांत बखूबी देख पा रहे होंगे। ममता बनर्जी लगातार उस पदयात्रा में शामिल हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं, तो व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए संदेश देने की भी कोशिश है। चोटिल हुई नंदीग्राम में ममता बनर्जी, आरोप लगाया कि उन पर साजिशन हमला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद, लंबी बैठकों के बाद, मंथन करने के बाद, कि ये हमला प्रतीत नहीं होता, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिसमें ये माना जाए कि उन पर हमला किया गया था। लेकिन ये सुरक्षा में चूक है, और अब इलेक्शन कमीशन के कई दिशा निर्देशों के पालन में चूक हुई होगी, तो इस पर गाज गिर सकती है जो इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ममता बनर्जी ने इस पदयात्रा में शामिल होना मुनासिब समझा। जो पदयात्रा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में आगे बढ़ने वाली थी, गांधी प्रतिमा से लेकर हाजरा तक तकरीबन 4 किलोमीटर की यह पदयात्रा, जिसमें खुद ममता बनर्जी शामिल हैं, सड़क के दोनों तरफ उनके समर्थक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हुई। लेकिन अरुण, जिस पैर में उन्हें चोट लगी है उसके साथ व्हीलचेयर पर ही बैठकर आगे बढ़कर क्या संदेश देने की भी कोशिश है ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में शामिल होकर? देखिए संदेश, संकेत और मकसद, तीनों चीज आप इस तस्वीर से देखिए। ये तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक हैं। आप देखिए यहाँ पर हिंदी बोल लेते हैं आप? बांग्ला है, बांग्ला बोलता है। तो दीदी का पैर टूटा है फिर भी वो पदयात्रा कर रही है। दीदी बांग्ला 2021 साल दीदी बांग्ला मुख्यमंत्री होगा, और सारा भारतवर्ष सारा वर्ल्ड तक तक ये देखे 260 सीट पाएगा दीदी। दीदी पश्चिमबंगे मुख्यमंत्री होबे 2021 साले। देखिए ये जो समझ में मुझे आ रहा था कि दीदी 2021 में मुख्यमंत्री होगी और 200 से ज्यादा सीट मिलेगा, देखिए ये भी बगल में कह रहे हैं 200 सीट मिलेगा। 9 तारीख को नंदीग्राम गया था हम, 9 तारीख को हम नंदीग्राम गया था, उस दिन था 10:30 बजे से रात 8 बजे तक। वो तो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि चोट किसी साजिश के तहत नहीं लगी थी। मेरे को फैल दिया, मेरे को दीदी को धक्का मारेगा, फिर जाएगा 21 तारीख को नंदीग्राम, दंजिन के लिए वहाँ रहेगा। देखिए प्रशांत, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि बीजेपी क्या कहती है, लेफ्ट क्या कहती है,
कांग्रेस क्या कहती है, नेता क्या आरोप लगाते हैं कि ये एक नटंकी है, एक नाटक है ममता बनर्जी का, लेकिन उनके जो काडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता, वो तो यही बात कह रहे हैं जो ममता बनर्जी उनको समझाने में सफल हो रही है कि उनके ऊपर हमला हुआ था। और सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के नेता और उनके मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री जावेद खान भी यही बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट पर मचे इस सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चोट के मामले पर बंगाल के मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने माना है कि ममता बनर्जी पर हमले के सबूत नहीं मिले हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ऐसे में जबकि तमाम रिपोर्ट्स मंगवाई गई पश्चिम बंगाल से पर्यवेक्षकों के जरिए, कौन सी ऐसी ठोस चीजें सामने आई जिसके आधार पर इस निष्कर्ष तक पहुंच पाया चुनाव आयोग कि उन्हें यह हमला नहीं लगा? प्रशांत, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि चुनाव आयोग ने कोई बयान नहीं दिया है इस पूरे मसले पे, जो रिपोर्ट पे चर्चा की। ये खबर है कि चुनाव आयोग ने ये मान लिया है, ये फैसला कर लिया है कि कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग का फैसला है कि कोई अटैक ममता बनर्जी पे नहीं हुआ। इस आधार पे जो तीन रिपोर्ट, मुख्य सचिव की दो रिपोर्ट और ऑब्जर्वर्स की एक रिपोर्ट जो आई थी, क्योंकि मुख्य सचिव से चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दोबारा मांगा था, इसलिए उनकी दो रिपोर्ट आई थी और ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट आई थी। दूसरी अहम बात, तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट है उसमें डीएम, एसपी और डायरेक्टर सिक्योरिटी, जो कि सीएम की सुरक्षा में होते हैं, उनको सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया है। तो आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में इस बात की जानकारी हो सकता है कि आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग देते, या फिर इसकी जानकारी आ जाएगी कि किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार जो आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा था कि प्री प्लांट अटैक था, वो अटैक चुनाव आयोग ने नहीं माना है। और यही आज की बैठक की सबसे बड़ी बात थी। थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हो गई है, कार्रवाई जो है वो चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से। जो तमाम कार्रवाई बैठक के बाद होनी है, वो प्रक्रिया जारी है और थोड़ी देर बाद हमें पता चल सकता है कि आखिर क्या कुछ हुआ है। आधिकारिक तौर पर ऐलान अब इलेक्शन कमीशन को करना है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि सुरक्षा में चूक मान रहा है प्राथमिक तौर पर चुनाव आयोग, और तीन अधिकारियों को जिम्मेदारी के आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हमले के सबूत नहीं पेश हुए हैं और इससे इनकार कर रहा है। आधिकारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन के बयान का इंतजार।